आपका मेरे चैनल पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपको इस वीडियो के टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज जो यूकुलेले पे मैं गाना आपको बजाने के लिए सिखाने वाली हूँ उसका नाम है मंगल भवन अमंगलहारी। ये रामायण जो सीरियल अभी चल रहा था इन दिनों, जो पहले भी आता था वैसे तो, उसका गाना है, उसका टाइटल सॉन्ग है। तो आज के लिए ऑलमोस्ट सबके जुबान पर है। जो भी लोग ये सीरियल देखते थे एटलीस्ट उनकी तो है ही। मुझे तो, मैं अपना बताऊँ तो मुझे तो बहुत पसंद है ये गाना, तो इसलिए मैंने अभी रिसेंटली इसका एक कवर भी बनाया है, तो आप वो भी देख सकते हो। और आज मैं सिखाती हूँ आपको कि आप इसे अपने यूकुलेले पे कैसे बजा सकते हो। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारी अभी ट्यूटोरियल वीडियोज़ और भी बनाने वाली हूँ। तो जब आपका यूकुलेले ट्यून हो चुका हो, उसके बाद हम दूसरी चीज़ सीखते हैं, वो है कॉर्ड्स। इस गाने में आज तक मैंने जितने भी ट्यूटोरियल्स बनाए हैं, जितने भी गाने सिखाए हैं इस यूट्यूब चैनल के थ्रू, उसमें से सबसे कम कॉर्ड्स यूज़ होने वाले हैं, सिर्फ 3 कॉर्ड्स। जी हाँ, सिर्फ 3 कॉर्ड्स यूज़ होंगे इस गाने में, जो कि हैं सी कॉर्ड, एफ कॉर्ड और जी कॉर्ड। अगर आपको ये तीनों के तीनों कॉर्ड्स पहले से बजाने आते हैं तो आपको ये पार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी आपको ये सिखाने वाली हूँ कि आप हर एक कॉर्ड को कैसे बजा सकते हो अगर आपको पहले से नहीं आता है तो। तो सी कॉर्ड बजाने के लिए आपको अपनी फर्स्ट फिंगर को 1, 2, 3, 4, ये स्ट्रिंग्स का ऑर्डर है, तो फर्स्ट फिंगर को फर्स्ट स्ट्रिंग और थर्ड फ्रेट पर रखना है। एफ कॉर्ड के लिए सेकेंड फिंगर को फोर्थ स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट, फर्स्ट फिंगर को सेकेंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट। जी कॉर्ड के लिए फर्स्ट फिंगर को सेकेंड फ्रेट ऑफ थर्ड स्ट्रिंग, और सेकेंड फिंगर को फर्स्ट स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट, और थर्ड फिंगर को सेकेंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट पे रखना है। सिर्फ यही 3 कॉर्ड्स हैं जो इस गाने में हम आज इस्तेमाल करने वाले हैं। आपको अगर ये स्केल लो लग रहा हो तो आप कैपो का भी यूज़ कर सकते हो, फोर्थ सेकेंड थर्ड अकॉर्डिंग टू योर वॉइस रेंज। आप यहाँ पे कैपो लगा सकते हो, उससे ये जो गाने का स्केल है वो हाई हो जाएगा। दूसरी चीज़ है इसमें स्ट्रमिंग पैटर्न। स्ट्रमिंग पैटर्न जो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाली हूँ वो है आइलैंड स्ट्रमिंग पैटर्न। वैसे तो आप और कोई स्ट्रमिंग पैटर्न या फिर सिंगल डाउन स्ट्रम्स भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक रेफरेंस के लिए यहाँ स्ट्रमिंग पैटर्न दे देती हूँ, सिखा देती हूँ। आपको अगर अच्छा लगे तो आप अपने गाने में भी कवर कर सकते हो। तो आइलैंड स्ट्रम है डाउन डाउन अप अप डाउन अप। वैसे तो मैंने बाकी मैंने ट्यूटोरियल वीडियोज़ बनाए हैं उनमें से काफ़ी मैं ये स्ट्रमिंग पैटर्न कवर किया है। अगर आपने देखे हो, आप मुझे पहले से फॉलो करते आ रहे हो तो आपको पता होगा, लेकिन अगर आप पहले बार ही स्ट्रमिंग पैटर्न सीखने वाले हो तो मैं फिर से आपको अच्छे से सिखा देती हूँ कि कैसे बजाते हैं। तो अगर आप पहली बार ही स्ट्रमिंग पैटर्न सीख रहे हो तो आप बिल्कुल शुरू में ही डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप इतना जंप नहीं कर सकते, इसलिए पहले उसे पार्ट्स में ब्रेक कर लेना है स्ट्रमिंग पैटर्न। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा डाउन डाउन अप, और सेकेंड पार्ट हो जाएगा अप डाउन अप। तो आप पहले फर्स्ट और सेकेंड पार्ट्स की प्रैक्टिस अलग अलग से करना, वो भी पहले धीरे धीरे, फिर ग्रेजुअली स्पीड इंक्रीज करना। कैसे? डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप, ये फर्स्ट पार्ट, डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप। जब आप इतना अच्छे से करने लग जाओ फिर सेकेंड पार्ट पे जंप करना, अप डाउन अप डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन अप। जब ये दोनों पार्ट्स आप अलग अलग अच्छे से हो जाए आपके साथ, मैनेज कर पाओ आप, उसके बाद आप दोनों को मर्ज कर सकते हो। वो कैसे हैं कि डाउन डाउन अप और अप डाउन अप, ये जो आप अलग अलग बजा रहे थे इन दोनों को साथ में बजाना है, तो हो जाएगा ये डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप। और यही स्ट्रमिंग पैटर्न है, आपको आ गया होगा अब तक। तीसरी चीज है कॉर्ड प्रोग्रेशन। इसका कॉर्ड प्रोग्रेशन होगा सी एफ जी सी और जी। एक बार ये मैं अभी समझाती हूँ बाद में, फिर सी। ये हुआ फर्स्ट लाइन का कॉर्ड प्रोग्रेशन, और सेकंड लाइन का सी जी जी सी जी सी। अब जब दो लाइंस खत्म हो जाएंगी तो इट्स ऑप्शनल कि आप सी कॉर्ड को रिपीट करना चाहते हो, कितनी बार रिपीट करना चाहते हो, या और कोई कॉर्ड उसमें ऐड करना चाहते हो वगैरह, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। मैं अपने गाने में तो सी कॉर्ड को बाद में दो बार रिपीट करती हूँ।
तो अभी मैंने सिंगल डाउन स्ट्रम के साथ ये कॉर्ड प्रोग्रेशन बताया, अब मैं आपको एक बार स्ट्रमिंग पैटर्न के साथ भी जल्दी से बता देती हूँ। और इसमें एक ध्यान रखने योग्य बात ये है कि जैसे सी कॉर्ड मैंने एक बार सी बोला, तो उस सी पे ये स्ट्रमिंग पैटर्न डाउन डाउन अप अप डाउन अप एक बार अप्लाई होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन सी डाउन डाउन अप अप डाउन अप, फिर एफ डाउन डाउन अप अप डाउन अप, फिर जी डाउन डाउन अप अप डाउन अप। इसके बाद जो एक पार्ट है वो हल्का सा ट्रिकी आपको लग सकता है, थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन उतना मुश्किल नहीं है। मैं एक बार अच्छे से समझा देती हूँ। यहाँ जब हम सी एफ और जी हमने कर लिया है, उसके बाद सी और जी दोनों आधे आधे बार यूज़ होंगे। मतलब जैसे अभी तक हम पूरा स्ट्रमिंग पैटर्न सी पे लगा रहे थे डाउन डाउन अप अप डाउन अप, लेकिन अब जो सी आया है उस पर हम पूरा स्ट्रमिंग पैटर्न नहीं लगाएंगे, सिर्फ डाउन डाउन अप। ऐसे ही जी पे सिर्फ डाउन डाउन अप। तो शुरू से एक बार मैं बताऊँ, डाउन डाउन अप अप डाउन अप, फिर एफ डाउन डाउन अप अप डाउन अप, जी डाउन डाउन अप अप डाउन अप, अब सी पे डाउन डाउन अप और जी डाउन डाउन अप, फिर से सी पूरा स्ट्रम पैटर्न डाउन डाउन अप अप डाउन। ऐसे ही सेकंड लाइन का स्ट्रम पैटर्न सी डाउन डाउन अप अप डाउन अप। सेकंड लाइन में हम एफ पे नहीं जाएंगे, जी पे ही रहेंगे। सी के बाद जी डाउन डाउन अप अप डाउन अप, फिर से जी डाउन डाउन अप अप डाउन अप, फिर वही आधा आधा वाला पार्ट डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन। इसके बाद आप सी कॉर्ड को रिपीट करो, तो चाहे डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप, थोड़ा सा पॉज लेने के लिए, क्योंकि फिर बिल्कुल पॉज नहीं आएगा ना, तो गाने गाया भी नहीं जाएगा फिर आपसे। अब गाने की ओर बढ़ते हैं कि गाना कैसे कवर करना है इन सब मैकेनिक्स के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको सिंगल डाउन स्ट्रम्स के साथ करके बताऊंगी, ताकि आपको कॉर्ड प्रोग्रेशन के साथ लिरिक्स कहाँ पे कैसे बिठाने हैं वो सब समझ आ जाए। उसके बाद स्ट्रमिंग पैटर्न के साथ पूरा गाना कवर करूंगी। के साथ